we are going to prescribe gynophilus. See, so effectiveness of gynophilus. अब इसमें थोड़ी सी हम ना स्टडी शेयर करेंगे आपके साथ. हाँ, ये स्टडी है जो की गई थी बैक्टीरियल वेजिनोसिस के केसेस. किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए एक स्टडी करनी पड़ती है, तो वो फिर साबित होता है कि ये मेडिसिन में कितनी इफेक्टिव है और कितनी इफेक्टिव ये नहीं. अब ये जो स्टडी थी इसमें 51 केसेस लिए गए उन खवातीन के जिनको विजाइनल इंफेक्शन थी, बैक्टीरियल वेजिनोसिस थी वो. तो हमने 51 केसेस उसमें लिए गए जिसमें 25 वुमेन जो है उनको कंट्रोल ग्रुप में रखा गया, 26 वुमेन को प्रोबायोटिक ग्रुप में रखा गया, और इन खवातीन की जो एज थी वो 16 ईयर से 50 ईयर के इन बिटवीन. तो इनमें से जो कंट्रोल ग्रुप था उसको ट्रीट किया गया 5 वुमेन मीडिया ओरल मेट्रोनिडाजोल प्लस 2 ओवल्स ऑफ मेट्रोनिडाजोल ऑन द फर्स्ट एंड थर्ड डे, और जो दूसरा ट्रीटमेंट एज अ फॉलो ऑन ट्रीटमेंट आफ्टर एंटी माइक्रोबियल यूज. अब इसमें जब भी कोई एंटी माइक्रोबियल या एंटी माइकोटिक ड्रग यूज की जाती है तो फ्रेंडली जर्म्स भी किल हो जाते हैं, तो उनको रिस्टोर करने के लिए, वापस विजाइनल नॉर्मल फ्लोरा हासिल करने के लिए हम ये गाइनोफिलिस के प्रोबायोटिक कैप्सूल जो है इसको इंट्रोड्यूस करते हैं. इसकी तीसरी इंडिकेशन है प्रिवेंशन ऑफ प्री टर्म प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेंबर. अभी ये हम सब ने देखे हुए हैं ये केस, ऐसी खवातीन जो ऑब्स्टेट्रिक्स में हमारे पास आती हैं जिनमें हिस्ट्री होती है कि उनकी हमेशा ही अक्सर उनकी बिफोर टाइम मेम्ब्रेन वाटर बैग लीक हो जाता है, लाइटर ड्रेन हो जाता है, प्री मैच्योर बेबी को डिलीवर करना पड़ जाता है जिसकी वजह से आगे प्री मैच्योरिटी के सारे प्रॉब्लम्स आते हैं. तो अगर किसी फीमेल में रिपीटेड हिस्ट्री ऑफ प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन है तो उसमें ये विजाइनल प्रोबायोटिक दे कैन हेल्प, दे कैन बी प्रिस्क्राइब. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंडिकेशन. एंड देन prophylaxis for patient at risk, pregnancy, diabetes with no side effects. Definitely it has no side effects. Now we come for the dosage. जो BD dose है इसकी 7 days के लिए और OD dose है as a maintenance dose for the coming 14 years. So total they are 21 days. 7 days BD and 14 days OD. Instruction for use is really very very simple. We have to ask the patient first to wash the hands. क्योंकि वो अपने हाथों के जरा सीन ना इंट्रोड्यूस करा देंगे तो हम लैक्टोबैसिलस नहीं मानेंगे. So first she has to wash the hand, then the capsule को वो थोड़ा सा डैम्प कर ले, उसको साफ पानी में गीला कर ले ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, उसकी इंसर्शन ईजी हो जाए, एंड देन शी हैज टू इंट्रोड्यूस दैट कैप्सूल इन टू द वजाइना. Vaginal probiotic gynophilus. This is इसकी जो बॉटल है ना मैंने देखी है, बड़ी खूबसूरत सी बॉटल है, छोटी सी शीशे की बॉटल है और उसके ऊपर वो ढक्कन सा भी लगा हुआ, बड़ा रबर कैप लगी हुई है. ये बिल्कुल उस तरह की बॉटल है जैसे कभी किसी जमाने में वो छोटे छोटे सीरम्स और ऑल दैट उसके लिए हुआ करती थी. तो है ये बड़ी फैंसी सी बॉटल है वैसे और बहुत ईजी इसकी ओपनिंग और इसका उसको रिकैप करना, ओपन करना, इट्स ऑल वेरी इजी एंड वेरी कंफर्टेबल. So, this much was about the vaginal probiotic. Thank you so much. Very patient listening. I hope you have enjoyed it. And for some remarks and comments, I would request Dr. Abdul Ghofur Malik to come and share his remarks with us. Thank you very much. Thank you.